भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बॉटल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के एक दो चक्कर लगाए लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छनछन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू, जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी बाहर